चलिए साइलेंट लेटर के टॉपिक में ई लेटर को देखते हैं। तो ई लेटर की डेफिनेशन है, यदि किसी वर्ड के अंत में ई लेटर आता है तो ई साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड के अंत में ई लेटर आएगा तो ई लेटर वहाँ पर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जैसे लिखा है मैं, तो यहाँ पर जो ई है उस वर्ड के अंत में आया है तो ये साइलेंट रहेगा। हैट, ये भी अंत में है, ये भी साइलेंट रहेगा। राइट है, लाइक है, तो इन सारे वर्ड के अंत में जो ई लेटर है वो कहाँ पर आ रहा है, एंडिंग लेटर है। तो यदि ई एंडिंग लेटर होगा मतलब अंत में रहेगा तो ई क्या रहेगा, वहाँ पर साइलेंट रहेगा। चलिए ई लेटर के बाद जी लेटर को देखते हैं। डेफिनेशन है, यदि किसी वर्ड में जी एन आता है तो जी साइलेंट होता है। कहने का तात्पर्य है कि जी लेटर के बाद एन लेटर आएगा। यदि जी लेटर के बाद एन लेटर आता है तो वहां पर जी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, डिजाइन, यहां पर देखें जी लेटर के बाद क्या आ रहा है, एन लेटर आ रहा है। या कहने का तात्पर्य है जो जी एन का कॉम्बिनेशन है, किसी वर्ड में जी एन साथ में दिखते हैं तो वहां पर जी लेटर क्या रहेगा, आपका साइलेंट रहेगा। यहाँ देखें साइन, साइन में भी देखें जी एन क्या है, यहाँ पर दोनों साथ साथ आए हैं तो इसमें जो जी लेटर है वो क्या है, साइलेंट है। फॉरेन, फॉरेन में भी देखें तो जी और एन क्या है, साथ साथ में आए हैं तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। लास्ट है आपका कंपेन, कंपेन में देखें तो जी एन साथ में आए हैं तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जी एन अगर साथ में आते हैं तो जी वहाँ पर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। लेकिन इसके कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नियम को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखा है अपवाद, तो मैग्नेट, इसमें जो है ना जी एन क्या आ रहा है, दोनों साथ में आ रहा है मगर जी का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। तो क्या लिखा है, मैग्नेट। और यहाँ क्या है, सिग्नेचर, इसमें भी क्या आ रहा है, सिग्नेचर में भी जी एन क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। कुछ अपवाद होते हैं इंग्लिश में, इस कारण से ये जो दो वर्ड हैं ये फॉलो नहीं करते इस नियमों को। चलिए जी लेटर के बाद एस लेटर को देखते हैं। तो एस लेटर की डेफिनेशन क्या कहती है, यदि किसी वर्ड में जी एच के पहले, जी एच लेटर के पहले कोई वॉवल आता है, यदि जी एच लेटर के पहले क्या आता हो, वॉवल आता हो तो जी एच क्या रहता है, उस वर्ड में साइलेंट रहता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्या लिखा है, लाइट, लाइट में यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, यहाँ पर जी एच साथ में आ रहा है और जी एच के पहले क्या है, यहाँ पर आई, आई क्या है, वॉवल है, तो ये जी एच क्या हो गया, साइलेंट हो गया, इसको नहीं रीड किया जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लाइट, लाइट मतलब चमक या प्रकाश। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट, राइट में भी देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जी एच है और जी एच के ठीक पहले क्या लिखा है, आई, आई क्या है, वॉवल है, इसलिए जी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, तो राइट पढ़ेंगे से, राइट मीन सही होता है। थ्रो, इसमें भी देखें क्या आ रहा है, जी एच और जी एच के पहले क्या आ रहा है, बबल आ रहा है, तो इसमें भी जी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है नाइट, नाइट में देखें जी एच क्या आ रहा है, साथ में है और उसके पहले क्या लिखा है, बबल लिखा है, इसलिए जी एच को प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। चलिए एच लेटर का दूसरा नियम देखते हैं। यदि किसी वर्ड में डब्ल्यू एच आए तो एच साइलेंट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एच के पहले क्या आता हो, डब्ल्यू आता हो, किसी वर्ड में एच के पहले क्या आता हो, डब्ल्यू आता हो, तो वहां पर एच लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखें, वाई, यहां पर डब्ल्यू एच है, कहने का तात्पर्य यह है कि एच के पहले क्या आता हो, डब्ल्यू आता हो, तो वहां पर एच लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। यहाँ देखें बैन, बैन में भी देखें एच के पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो एच क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। वेयर, वेयर में भी देखें, वेयर में क्या आ रहा है, एच के पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो यदि किसी वर्ड में एच के पहले कौन सा लेटर आएगा, डब्ल्यू लेटर आएगा, तो वहां पर क्या रहेगा, एच साइलेंट रहेगा। चलिए इस नियम का एक नोट भी है, ये नोट ये है कि हु में
एच को क्या किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो इस नियम को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ये टू वर्ड है आपके, हु और हूज, इन दोनों वर्ड में एच का क्या किया जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, और एच के पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो इन दोनों वर्डों को आप नोट करके रखें, इन पर ध्यान देना है, दो शब्दों पर ये एच इसमें प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, आर एच, कहने का तात्पर्य है एच के पहले क्या आता हो, आर लेटर आता हो। एच लेटर के पहले आर लेटर आता हो तो एच साइलेंट होता है वहां पर। यदि किसी वर्ड में क्या आता हो, एच लेटर के पहले आर लेटर आएगा तो वहां पर भी एच क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे देखें राइम, राइम में देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, आर और एच, मतलब एच के पहले कौन सा लेटर आ रहा है, आर लेटर आ रहा है। तो इस वर्ड में एच लेटर क्या है आपका, साइलेंट है राइम। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आर और एच, एच के पहले कौन सा लेटर आ रहा है, यहाँ पर आर लेटर आ रहा है। तो इस लेटर में भी क्या है आपका, एच लेटर क्या है, साइलेंट है।